हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज हम बनाने जा रहे हैं बथुए का रायता। आपने बथुए का साग, सब्जी, पराठा खाया होगा, लेकिन ये बथुए का रायता भी बहुत टेस्टी होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ घंटी को प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। बथुए का रायता बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 100 ग्राम बथुए को साफ कर लिया है। इसे अच्छे से धोकर चाकू से काट लिया है। अब इस बथुए को प्रेशर कुकर में डालेंगे और साथ में डालेंगे एक गिलास पानी और आधा चम्मच नमक। इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स, इसे आप देख रहे हैं कि 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये बथुआ पककर तैयार है। इसे आप छानकर इसका सारा पानी निकाल दें। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक हम दही तैयार करते हैं। ये मैंने 200 ग्राम दही लिया है। इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधे चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे बथुआ। हमें बथुए को ग्राइंड नहीं करना क्योंकि मैंने पहले से ही इसे कटिंग कर लिया था। अब आप चाहें तो आधा चम्मच जीरा और 2 चुटकी हींग का छोंक लगाकर भी इसमें डाल सकते हैं। चाहें तो जीरे और हींग को तवे पर भूनकर पीस कर भी डाल सकते हैं। ये हमारा टेस्टी यम्मी बथुए का रायता बनकर तैयार है। इसे आप राइस के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही डिलीशियस लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बथुए के रायता बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरी वीडियो को ढेर सारा करना है लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।